वसीम रिजवी जी, अब आपको वसीम रिजवी तो नहीं बोल सकते, जितेंद्र नारायण त्यागी जी बहुत स्वागत आपका। आपको जी शुक्रिया। आपको अपना नाम जितेंद्र नारायण त्यागी सुनने की आदत हो गई है या कोई बुलाता है तो समझ में नहीं आता किसको बुला रहे हैं? मैंने इस्लाम छोड़ा कब है? हमको तो निकाल दिया, उनके चरित्र को उजागर किया। मैं जरा सा इस पर आऊंगा, इस पर अभी आऊंगा। जब ऐसा चरित्र का इंसान जो अहंकार, जितेंद्र जी मैं इस पर आऊंगा, और लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये, आप खुद कह रहे हैं कि आपने इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको इस्लाम से निकाल दिया गया, मतलब एक तरीके से जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से धक्के मार के निकाल दिया गया, तो लोग ये क्यों माने कि आपने हिंदू धर्म को अपनाया है? आपने तो इस्लाम छोड़ा नहीं, आपको किसी ने धक्के मार के निकाल दिया तो आपको जो जगह मिली आप वहां आ गए, आप हिंदू तो हुए नहीं, आप तो मजबूरी में हिंदू बने। इसका मतलब क्या, इस्लाम को आप धर्म समझते हैं? हम तो एक आतंकी गुट का पार्ट थे, उस गुट ने हमको बाहर कर दिया क्योंकि हमने उस आतंकी गुट की असलियत। अरे भाई, आतंकी गुट में आप थे ना, आपने तो नहीं छोड़ा ना आतंकी गुट, आप खुद कह रहे हैं आपने आतंकी गुट नहीं छोड़ा, आपको धक्के मारकर निकाला गया उस आतंकी गुट से, तो आप कैसे आतंकी नहीं थे? आप क्यों माने आप हिंदू हैं? जब धक्के मारकर आप क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैंने रीति रिवाज के साथ में हिंदू धर्म अब मैंने अपनाया है। अरे अपनाया क्या है? आपने मुझको अपनाया क्या? आप तो खुद कह रहे हैं कि मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं, आप छोड़कर आते। अगर ये धर्म इतना अच्छा है और अगर आपको ये पसंद था और आपको लगता है इस्लाम जो है वो आतंकवादियों का गुट है, एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट, अगर इस्लाम में आतंकवादियों का गुट है, धर्म नहीं है, तो आप उसको छोड़कर आए होते। आप तो आज भी कह रहे हैं कि मैंने छोड़ा नहीं, मुझे निकाल दिया इसलिए मैं यहां आ गया, तो आप यहां को स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है हिंदू बनना। आज मैंने अगर सनातन धर्म को कबूल कर लिया रीति रिवाज के साथ में, तो मैंने दिल से किया। ये कैसे माने जितेंद्र वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी जी, ये कैसे माने कि आपने हिंदू धर्म दिल से स्वीकार कर लिया? कल को आपको हिंदू धर्म में कुरीतियां दिखेंगी, आप कहेंगे मैं इसको छोड़कर अब क्रिश्चियनिटी अपना रहा हूं, यही सबसे अच्छा धर्म है। कैसे माने आपको हिंदू धर्म में आप रहेंगे यहां पर? मैं बस ये समझना चाह रहा हूं कि आप दिल से हिंदू बने हैं या फिर आप जो है कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए आप हिंदू बन गए। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी अच्छाइयां दिखती थी तो आपने हिंदू धर्म पहले क्यों नहीं कबूला? शंखा नहीं करनी चाहिए, गंद ले ली और इस धर्म को इतना आप पसंद करते हैं, इसमें आने के पहले आपने कुछ होमवर्क किया? हनुमान चालीसा आती है आपको? इस धर्म के बारे में और कुछ बता सकते हैं आप जिससे लगे कि आप दिल से आए हैं? सिर्फ ऊपर भगवा नहीं पहना है और माथे पर चंदन नहीं लगाया है, इसका सबूत दे सकते हैं कि मन में भी अंदर हिंदू है? एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हिंदू धर्म तो नहीं छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं, मरते नहीं छोड़ूंगा, और मेरा अंतिम संस्कार इन लोगों द्वारा मारे जाने पर, ये मुझे मालूम है ये मारेंगे, मेरी नेचुरल डेथ नहीं होनी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ये लोग मुझे मारेंगे और ये जरूर मारेंगे, मेरी हत्या करेंगे 99.9% मुझे ये उम्मीद है, अगर के ये मेरी हत्या हो जाए तब भी मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ में होता होना है। मैंने इसका एक एफिडेविट भी तैयार करके दे दिया है, और अगर नेचुरल डेथ होती है किसी चीज में तब भी हिंदू रीति रिवाज के साथ में होता है, जब मरने के बाद भी का भी मैं तय कर चुका हूं तो अब छोड़ने का क्या मसला बनता है? तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना, हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान है जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे, जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए है या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते, जब गैर मुस्लिम के एतराफ करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क्यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं
कुरान मजीद का जिक्र है सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3 जोड़ सकता है उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो ये अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्डिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूं और हूबहू वैसे पैदा कर सकता हूं। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है। कुन फैकुन, और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो या तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट, रिलीजन क्यों होता है, क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है, सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के माइक बैक सेंट जॉर्ज, कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर, पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने के वजह से लड़ाई हो रही, भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूं? भाई साहब नहीं, क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूं? हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूं? हाँ सर हूं ना। तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आमतौर पर झगड़ा नहीं करेगा। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है सूरह माईदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहां चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा। आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान ये सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है। अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं, यह इजाजत ही नहीं है। अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं, मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं। ये आपकी इंसानियत जो कह रही है, मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक,
मेरे अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, पकड़ के सजा दो। लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है। मैं, मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं आप, इंसानियत अच्छी चीज है लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है, इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका, अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे, अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया? मजहब के लिए। मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, ये मजहब ही है। अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना, इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान ले। ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से लोग कत्ल करें एक दूसरे का, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पूछूंगा, कुल हाथों बुरहान हुकुम इन कुंतुम सादिकीन, आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।